एक जापानी मुंडा फर्स्ट टाइम गुरुद्वारे दे विच गया है, ते गुरुद्वारे दे विच जाके कंजदा महसूस कर रहा है। आज दी अपनी इस वीडियो दे विच असी जानांगे। खैर पहलो ते आपां वीडियो देख लेने हैं, फिर करते हैं गलबात। गो नमस्ते, सात श्री आकार। मेरा नाम कोहे है और मैं टोक्यो जापान से हूँ। मैं हिंदी सीखता हूँ क्योंकि मुझे हिंदी भाषा बहुत पसंद है। और आज मैं इनके साथ यहाँ इस गुरुद्वारे के सामने खड़ा हूँ। इनका नाम है जगप्रीत जी, चंडीगढ़ के एक निवासी हैं। और पिछले वीडियो में इन्होंने ही मेरे लिए ये बहुत खूबसूरत पगड़ी बांधी है। और मुंबई में एक ऐसी जगह है, क्षेत्र है, जहाँ बहुत सारे पंजाबी लोग रहते हैं, जिस क्षेत्र का नाम है शेरे पंजाब। शेरे पंजाब अंधेरी में है, अंधेरी वेस्ट में है। मेरे मुंबई में रहने वाले सब्सक्राइबर्स को मालूम होगा, ठीक है। और वहाँ भी काफी विशाल और प्रसिद्ध गुरुद्वारा मौजूद है ना। तो वहाँ उस गुरुद्वारे में भी जा चुका हूँ मैं वीडियो शूट करने के लिए। मगर चंडीगढ़ में, पंजाब प्रदेश के बिल्कुल बगल में है, सिख लोगों का जनसंख्या बहुत बड़ा है यहाँ का। और यहाँ चंडीगढ़ का गुरुद्वारा तो मैं पहली बार देखने के लिए जा रहा हूँ अंदर, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत उत्सुक हूँ। और मुझे यकीन है कि मेरे सब्सक्राइबर्स को, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स को भी मालूम नहीं होगा कि गुरुद्वारे के अंदर कैसा होता है, क्या क्या किया जाता है ना। तो वो सभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये पूरा दिखा देंगे हमारे लिए गुरुद्वारे के अंदर, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, आराम करते। तो सेम ही है। सर मेरे को खिलाना है, वरना इसका आकार बदल जाएगा। प्रवेश करते समय आदर दिखाने के लिए सिर झुकाते हुए गुरुद्वारा जी के फर्श को छू लिया है। सब्सक्राइब करके घंटी भी बजा लीजिए प्लीज। माथा टेकने के बाद आसपास परिक्रमा करते हैं। अगर वीडियो बना रहे हो, यूट्यूब वीडियो है या ये है? घड़ा पेशाब।
अच्छा प्रसाद है ना देना है। अच्छा इसका मतलब प्रसाद है। ये किस चीज का ये बंदा देसी देसी की। अच्छा उनको गुस्सा तो नहीं आया? नहीं नहीं नो नो बना रहे हो बना रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। YouTube वीडियो है जी वीडियो YouTube के लिए बना रहे हैं ना YouTube की पाना ले वो बना रहे जापान नीचे पैर से मैंने प्रसाद पकड़ा था ना इसलिए हाथ कुछ चिपक रहा था ऐसा तो भी कर लेते हैं ना हाँ, हाथों में हाँ, तो वो चला जाता है हाँ? चला जाता है वो। अच्छा सब्सक्राइब करके घंटी भी बजा लीजिए प्लीज। ओके दोस्तों आज भी मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं इनके साथ जगप्रीत जी के साथ इस गुरुद्वारे में ये पगड़ी पहनते हुए पहली बार गया और गुरुद्वारे का अंदर क्या क्या किया जाता है कैसे लोग पूजा करते हैं पूजा तो नहीं कहला लोग कैसे बात करते हैं वो भी देख लिया और बहुत कुछ सीखने को मिला है और इस गुरुद्वारे में जाकर अंदर अंदर देखने का मजा अंदर देखने का अनुभव मेरे लिए बहुत नया था और बहुत मजेदार था बहुत सार्थक था मेरे लिए। अनुभव तो आपके लिए था क्योंकि आप पहली बार गए थे ना जी हमारा तो आम ही आम ही है आपके लिए जी। अच्छा स्वाभाविक ना ये गुरुद्वारा दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपकी कृपा से मैं देख पाया इसका अंदर। अगर मैं अकेला होता तो अंदर जाने के लिए पर्याप्त हिम्मत नहीं हो पाती ना हाँ इसलिए दिखाने के लिए बहुत धन्यवाद इस वीडियो में आने के लिए भी बहुत धन्यवाद। हाँ जी और अगर आपको मेरे हिंदी बोलने का तरीका बहुत मजेदार लगा फनी लगा सब्सक्राइब करना ना भूले। तो अगर आपको मेरे हिंदी बोलने का तरीका मजेदार लगा फनी लगा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर भी कीजिए कमेंट भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो जी मेरा भी बहुत दिल करता है कि मैं गुरुद्वारे दे विच जावां ते गुरुद्वारे दे विच कैंजदा फील हुंदा है कैंजदा महसूस हुंदा है वो जाके देखा। एक लाहौर दे विच गुरुद्वारा है बादशाह मजर शाही किला यानी कि महाराजा रणजीत सिंह जी का जिहड़ा किला सी उहदे नाल ही एक गुरुद्वारा है ते उस गुरुद्वारे दे विच मैं गया सी लेकिन वो जिहड़ा गुरुद्वारा सी अंडर कंस्ट्रक्शन सी यानी कि दोबारा उन्हें रीरेनोवेट किया जा रहा है इस करके उन्होंने मैनू अंदर नहीं जान दिता हजे तक उनकी कंस्ट्रक्शन जिहड़ी है वो जारी है। बहुत ही खूबसूरत गुरुद्वारा जिहड़ा है वो किया जा रहा है दोबारा तो उनकी रेनोवेशन की जा रही है जिस तरह ही वो दोबारा बिल्ड हो जाएगा दोबारा उनकी रेनोवेशन हो जाएगी तो उस गुरुद्वारे दे विच मैं जरूर जावांगा। मेरा बहुत दिल करता है कि मैं चढ़ते पंजाब दे विच आवां ते दरबार साहिब हरमंदर साहिब दे विच जावां उतों दे लंगर हाल दे विच जावां लंगर हाल जिहड़ा जिंदे विच सिख मुसलमान हिंदू सारे इकट्ठे बैठ के लंगर छकदे ने और उस कमरे दे विच रुकां जिहड़ा स्पैशल उन्होंने मेहमानां वास्ते बनाया गया है। पिछले दिनों पाकिस्तान तो कुछ लोग जड़े सी वो दरबार साहिब हरमंदर साहिब गए सी ते दरबार साहिब हरमंदर साहिब दे विच उन्होंने उन्होंने अलहदा तो एक कमरा दिता सी और कमरे तो अलावा उत्थे मुसलमाना ने अजान दी अजान दे के उत्थे मुसलमाना ने नमाज अदा की और उन्होंने ऐसिया ऐसिया गुरुद्वारे दे विच चीजा देखिया ते वो देख के हैरान हो गए जिस तरह के गुरुद्वारे नू रोजाना जड़ा है वो दुध दे नाल धोता जांदा है और जड़ा सिख लोग है सुबह सवेरे अमृत वेले
ਨੇ ਤਹੱਜਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾਹੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਹੁਵੱਲਾਹੁ ਅਹਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਆਵਾਂਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਇਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਧਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਵਾਂਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਲੰਗਰ ਛਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਟੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਰਬਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਡਲੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਤੇ, ਹੱਥ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ। ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਜਦਾ ਫੀਲ ਕਰਦਾ। ਖੈਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜੋ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।